नमस्कार मेरे सभी स्वाद के मित्रों को। तो आज जो रेसिपी बनने जा रही है वो थोड़ी सी अलग है। अभी रिसेंटली मैं जोधपुर गया था मेरे दोस्त की शादी में, शेफ रवि माथुर की शादी में। तो वहाँ की मटर पनीर हमने खाई शादी के अंदर। अब मटर पनीर तो एक जैसी बनती है, लेकिन नहीं, वहाँ पर कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा डाला गया था कि सब्जी का स्वाद और रंग दोनों ही बदल गया। तो वही रेसिपी आपके साथ में आज शेयर करने जा रहा हूँ। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको एक किचन टिप मिलने वाली है। तो चले शुरुआत करते हैं। तो कैसे हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ गोपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनिस किचन में। जो सामान हमको सब्जी बनाने के लिए चाहिए वो सामान यहाँ पे मैंने कुछ रखा हुआ है। जैसे कि ये है मटर, एक कप मटर है, फ्रेश मटर है और हल्का हल्का मीठा है, बहुत अच्छा बनता है। साथ में लहसुन की कलियाँ हैं 10-12, 2-3 हरी मिर्च है, 2 मीडियम साइज के प्याज और 4 लाल लाल टमाटर, और ये रहा लगभग 2 इंच के आसपास अदरक। अब भाई ये क्या चीज़ है, यही तो है मेन चीज़, ये है हल्दी। ये लगभग 5 इंच है और अगर आप इसको वज़न में बोलो तो लगभग 40 से 50 ग्राम के आसपास होगी। अब बात ये होती है कि इसकी पूरी सब्जी भी बन जाती है। हल्दी की सब्जी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, लेकिन कई लोगों को इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, मतलब हल्का सा बिटरनेस लगता है। तो करना क्या है कि आपको जितना अच्छा लगता है उतना डालिए, क्योंकि इसके गुण बहुत अच्छे होते हैं। हल्का सा डालिए और टेस्ट भी अच्छा आएगा, साथ में गुण भी करेगी, क्योंकि हल्दी गर्माहट देती है शरीर को। प्याज को तो बारीक चॉप कर लेते हैं, इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, टमाटर को पीसेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे टमाटरों को मैं काट कर पीसने के लिए डाल देता हूँ। इसको चॉप नहीं करेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे। लहसुन भी इसी के साथ में डाल देंगे, अदरक भी यहीं पर डाल देंगे, लेकिन छोटा छोटा कर देंगे जिससे कि ये सेटिंग से पिस जाए। तो लीजिए टमाटर भी हमारा पिस गया है, बढ़िया सा प्यूरी हो चुकी है। अब इसको कर देता हूँ मैं साइड में। और ये है हमारा गेम चेंजर, मतलब कि कच्ची हल्दी। तो इसका छिलका पहले बाहर से निकाल लेते हैं। सर्दियों के टाइम पे बहुत बढ़िया मिल जाती है मार्केट के अंदर। तो हल्दी को हम कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि जितनी ये बारीक रहेगी उतनी बढ़िया रहेगी। तो आप बारीक चॉप भी कर सकते हो या कद्दूकस भी कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे लिए हमने एक हैवी बॉटम की कढ़ाई और इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच तेल के। आप चाहें तो उसको देसी घी में भी बना सकते हैं, वैसे हल्दी की सब्जी को देसी घी में बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हम बना रहे हैं मटर पनीर बना रहे हैं और हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, इसलिए हम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे तेल हो गया गरम, तो तड़का नहीं लगाएंगे, सबसे पहले हल्दी डालेंगे। हल्दी को तेल में या घी में फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इसका स्वाद निखर के आता है, वरना कच्चापन लगता है। तेल का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म नहीं है, हैवी बॉटम का बर्तन इसलिए लेना है, वरना ये चिपक जाएगा। देखिए हल्दी चिपक जाती है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा और खाने में ये अच्छी लगेगी, हल्दी से मीठापन आ जाता है अच्छा वाला। तो यहाँ पे हल्दी हो गई है थोड़ी थोड़ी सी क्रिस्पी, ये देखिए एक तरफ इकट्ठी हो रही है ना सारी, चिपकना भी बंद हो गया है बिल्कुल। तो अब इसको निकाल लेते हैं, इसका काम हो गया है। ये लो जी, जैसा आलू की भुजिया नहीं होती है वैसे, सेम टू सेम। तो सारी हमने निकाल ली और ये खाने के लायक हो चुकी है। उसी तेल में डालेंगे, ये रहा 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा तड़कना चाहिए अच्छी तरह से। ये है तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, 1 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची, ये भी डाल देते हैं सारी चीज़ें। खड़े मसाले की खुशबू आने लग गई है, तो जो प्याज हमने काटा था वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब प्याज की भुनाई स्टार्ट, और प्याज की भुनाई होनी चाहिए हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन होने की तरफ बढ़ रहा है, मतलब अभी हुआ नहीं है, बढ़ रहा है। तो अब यहीं पर डाल देंगे हम मटर, थोड़ा सा मटर भी भुन जाएगा तो अच्छा लगेगा ना। तो अब मटर भी भुन रहा है और प्याज भी भुन रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ भुन रही हैं। आप टेम्परेचर को यहाँ पे मीडियम टू लो कर सकते हो, बहुत तेज टेम्परेचर रहेगा, फ्लेम बहुत तेज रहेगी तो मटर उछल उछल के इधर उधर भागेंगे। तो यहाँ पे मटर को भूनते भूनते लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए मटर में हल्की सी वाइट घेरी आ गई है। तो मटर यहाँ पे हल्के से भुन चुके हैं। तो अब डाल देते हैं टमाटर का जो पेस्ट हमने तैयार किया था, और थोड़ा सा पानी डाल के जो हमारे मिक्सर ग्राइंडर में टमाटर लगा हुआ था वो भी डाल देते हैं। कुछ भी नहीं फेंकना ना, हर चीज़ डालनी है। पहले मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से, टमाटर के बाद में नमक डलेगा स्वाद अनुसार, और इसको मिक्स करते हैं और इसको कवर कर देते हैं और बिल्कुल आँच को धीमी कर देते हैं। यहाँ पर लाल मिर्च लिए हमने 2 छोटे चम्मच। लाल मिर्च ये कलर वाली है इसलिए ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, तो आप डाल सकते हैं। धनिया लिया हमने 2 छोटे चम्मच। आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पे अमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है, ये खट्टा करने के लिए नहीं है, टैंग करने के लिए, इसलिए थोड़ा कम ही डालें, ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ पे डाला है काला नमक, और ये है 1/4 छोटी चम्मच से कम।
ये गंधक वाला फ्लेवर आता है, इसको जरूर डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब डालेंगे इसके अंदर पानी, और हल्दी तो डालनी नहीं है, हल्दी तो ऑलरेडी हमने डाल दी है कच्ची वाली, तो हल्दी वाला कलर तो हमको चाहिए नहीं। तो ये मसाले को घोल के रख लेते हैं। तो ये मसाला यहाँ पे घुल गया है, टमाटर देख लेते हैं कि पके नहीं पके। तो ढक्कन खोल के देखते हैं कि टमाटर पका या नहीं पका। तो यहाँ देखिए टमाटर आधा पक गया है, अभी आधा बाकी है, तो इसी बीच में हम अपना मसाला भी डाल देंगे। तो जो मसाले का घोल हमने बनाया था वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसी के साथ में जो हल्दी हमने फ्राई की थी वो भी डाल देंगे। अब कर लेते हैं मिक्स। अब मसाले को पकाएंगे और टमाटर को भी पकाएंगे। तो यहाँ पे मुझे कलर थोड़ा सा कम लग रहा है, मतलब हल्दी का कलर पूरी तरह से नहीं आया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी और डालनी होगी। तो 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं कलर के लिए। हमने जो कच्ची हल्दी इस्तेमाल करी है, ज़रूरी नहीं कि आपको इतनी ही करनी है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, मतलब डबल तिबल भी कर सकते हो टेस्ट के हिसाब से। अगर अच्छा लग रहा है तो बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे मसाला भूनते भूनते लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और देखिए दानेदार हो गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो मतलब कि हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है और कलर भी काफ़ी डार्क हो गया है। 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे काजू का पेस्ट डाल रहे हैं। ये उबला हुआ काजू का पेस्ट है, अगर गिनती में बोलें तो 5 से 6 पीस आपको काजू उबाल के पेस्ट बनाना है। इसको पहले मिक्स कर लीजिए। काजू का पेस्ट बना के आप डीप फ्रिज में रख लीजिए, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े निकाल लीजिए, बहुत ही आसान चीज़ है। अब इसको तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि काजू ऑलरेडी उबला हुआ है। ग्रेवी थिक हो गई है, तो उबलता हुआ पानी डालना है, ठंडा पानी मत डालना, उबलता हुआ पानी डालना। इसका गाढ़ापन देखिए कि कितना गाढ़ापन हुआ, ये देखिए, वाह वाह वाह, अब आया असली कलर। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि काजू की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, काजू सिर्फ एक बाइंडिंग एजेंट है इसमें। अब जाएगा इसके अंदर पनीर। तो यहाँ पे 200 ग्राम पनीर मैं काट के डाल रहा हूँ, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े पीस ना काटने। और हल्दी की सब्जी है तो घी तो जाएगा ही जाएगा, तो 1 बड़ा चम्मच घी डाल सकते हैं आप, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये गया धनिया, और धनिया तो श्रद्धा अनुसार जाता ही जाता है। और साथ में ये रही हरी मिर्च, जो कि मैंने स्लिट काट दी है और कच्ची डाली है। और ये रहा गरम मसाला, नाम का ज़्यादा गरम मसाला ना डालें। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। वाह, अब इस खुशबू को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, इसको ढकना होगा और छोड़ दीजिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए बस। पनीर डाले 2 मिनट हो चुका है, तो गैस की फ्लेम को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब इसकी खुशबू का मज़ा लेते हैं। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हल्दी की जो मीठी मीठी सी खुशबू है ना, मज़ा आ गया। तो चलिए सर्व कर लेते हैं इसको। तो ये रही जोधपुर में खाई हुई एक सब्जी, जो कि हमने एक शादी में खाई थी, और सही बताऊँ आपको कि इसका टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट आता है। जो हल्दी हमने इसके अंदर डाली थी कच्ची हल्दी, उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। और कच्ची हल्दी तो आपको पता ही है कि सेहत के लिए कितनी बढ़िया होती है। हल्दी की क्वांटिटी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। दाल में लग जाता है कीड़ा अगर काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक हम रखते हैं। वैसे तो दाल 1-1.5 महीने में कुछ नहीं होता है, लेकिन जो अनपॉलिश दाल होती है उसमें कीड़ा लगने की संभावनाएं हो जाती हैं जब लंबे टाइम तक रखते हैं। तो करना कुछ नहीं है, इसी तरह से डब्बा रखना है, या तो आप सील पैक डब्बे मिलते हैं वो इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना जुगाड़ जिंदाबाद। तो ये पॉली बैग हमने लिए है, और इसको इस तरह से मैं पैक कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये गया, ये अब ये हो गया वैक्यूम पैक। तो ये जुगाड़ बहुत अच्छा है, आराम से 6 महीने तक आपकी दाल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी।